हेलो मित्रों, नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे मित्रों, और वीडियो आपको बहुत पसंद में आ भी रहा होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूं। देखिए मित्र, मेरा जो इस समय वीडियो का श्रृंखला चल रहा है वो चल रहा है संपूर्ण इतिहास को लेकर। जी हाँ, संपूर्ण इतिहास को लेकर हमारी टॉपिक चल रही है। इसके पहले मैंने संपूर्ण संविधान पर ओरल माध्यम से पूरा लेक्चर दिया हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा। और फिर संपूर्ण इतिहास को लेकर मैंने इसके पहले दो वीडियो इम्पॉर्टेंट डाले हैं, और उन वीडियो में मैंने संपूर्ण इतिहास की समझ कैसे विकसित करें उसके ऊपर डाला है, उसको ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा। आइए आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि संपूर्ण इतिहास को पढ़ाने से पहले मैं संपूर्ण इतिहास की समझ कैसे विकसित करें उस पर चर्चा करेंगे, और दूसरा मैंने आपसे ये कहा था कि संपूर्ण इतिहास से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा आज करेंगे। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि आपका कहाँ पे स्थिति मजबूत है और कहाँ पे स्थिति कमज़ोर है ये भी पता चलेगा, और साथ साथ इससे ये भी पता चलेगा कि एक इतिहास में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी पता चलेगा। दूसरा, प्रश्नों को मित्र बहुत ध्यानपूर्वक न केवल उत्तर देने का प्रयास करिएगा बल्कि उस प्रश्नों के माध्यम से आप इतिहास पर अपनी समझ भी बनाने का प्रयास करिएगा। इसीलिए मैं आज संपूर्ण इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और ये भी मेरा विश्वास है कि इससे आपको ढेर सारा लाभ मिलेगा। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पे आते हैं, संपूर्ण इतिहास की प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है, जिसका मेन उद्देश्य है कि हम संपूर्ण इतिहास पर समझ कैसे विकसित करें। आइए मित्र देखते हैं। देखिए, आपसे जो प्रश्न हैं वो एक एक प्रश्न करके हम पूछेंगे, उस प्रश्नों को या आप नोट करते जाइए या तो फिर उसका उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है, और ये देखिए कि प्रश्नों का पूछने का किस तरीके से स्वरूप है और उसमें किस तरीके से क्रमबद्धता है और किस तरीके से तुलनात्मक तरीके से पूछा जा रहा है, उन सारे बिंदुओं पर आप विश्लेषण करते जाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं संपूर्ण इतिहास को लेकर प्रश्नों की श्रृंखला में। सबसे पहला प्रश्न ये है कि इतिहास कहते किसे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास किसे कहते हैं। दूसरा, इतिहास का महत्व क्या है। तीसरा, इतिहास के प्रकार। ये आपको तीन बेसिक चीज़ें के बारे में तो निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि इतिहास होता क्या है, इतिहास के महत्व क्या है और इतिहास के प्रकार क्या हैं। अब मेरे प्रश्नों की श्रृंखला लगातार बिना रुके तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, और बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अगर आपका ध्यान मिस्टेक हुआ पल भर में आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो अपने आप को पूरी तरीके से एकाग्रचित होकर बैठ जाइए और ध्यानपूर्वक प्रश्नों को सुनिए, और उसके आंसर भी अपने मन में लेकर आइए, और प्रश्नों के सुनने के बाद आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए मित्र, जो प्रश्नों का पहला है वह अभी आपने देखा कि इतिहास क्या है, इतिहास महत्व क्या है, इतिहास के प्रकार क्या है। देखिए, अगर हम इतिहास को देखें तो आपसे पूछा जाए कि इतिहास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, तो आप बताइए इतिहास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो आप यही कहेंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत। तो आप ये भी बताइए कि प्राचीन इतिहास का काल कब से कब माना जाता है, मध्यकालीन इतिहास का काल कब से कब माना जाता है, और आधुनिक भारत इतिहास का काल कब से कब माना जाता है, ये आप भी बताने का प्रयास करिए। और इसके अलावा इस समय उत्तर भारत और दक्षिण भारत के शासकों के समय क्या स्थिति थी ये भी बताने का प्रयास करिएगा, जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में कहा है। ठीक है, आइए हम प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए मित्र, इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो इतिहास में हम किसी पर्वत या पठार या चट्टानों की चर्चा तो नहीं करते हैं। हाँ, ये है कि अगर हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम मुझे एक भारत का परिचय पता होना चाहिए, भारत के परिचय में भारत का भौगोलिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि भारतीय इतिहास को समझने के लिए भारत का भौगोलिक स्ट्रक्चर का जानकारी होना
बहुत ही आवश्यक है और भौगोलिक डिपेंड करता है वहाँ के भूगर्भिक संरचनाओं के ऊपर। जैसे भारत में कहाँ कहाँ पर्वतें हैं, कहाँ कहाँ पर पठारें हैं, कहाँ कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ कहाँ पर झीलें हैं, कहाँ पर ज़्यादा वनस्पतियाँ हैं, कहाँ पर कम वनस्पतियाँ हैं, ठीक है, ये सारे बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि जहाँ कोई वंश बना हुआ है उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण होता है, उसके साम्राज्य विस्तार के लिए, उसके नीतियों के लिए भौगोलिक कारण भी बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। इतिहास के पन्नों में ऐसा दिखाया गया है। इसलिए भारत का इतिहास पढ़ने के लिए भारत के संपूर्ण भौगोलिक पर्चे के बारे में तो ज्ञान आपको होना चाहिए। इतिहास पढ़ने के लिए हर स्टूडेंट को पहले भारत के भौगोलिक पर्चे के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि नर्मदा नदी कहाँ पर है, गंगा नदी कहाँ है, गंगा नदी की सहायक नदी कहाँ पर है, गोदावरी नदी कहाँ पर है, कृष्णा नदी कहाँ पर है, कावेरी नदी कहाँ पर है, महानदी कहाँ पर है, सिंधु नदी कहाँ पर है, या तो फिर ब्रह्मपुत्र नदी किससे होकर आ रही है, इन सारे नदियों के भी बारे में पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। आइए अब हम इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मित्र, इतिहास के संदर्भ में अगर हम देखें तो वास्तव में इतिहास का अध्ययन तब से माना जाता है जब से पृथ्वी पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ। पृथ्वी पर मानव सभ्यता का जन्म कब से कब माना जाता है और फिर उस सभ्यता से लेकर हमने अब तक कहाँ आ गए और इसमें कितना समय लगा है, उन संपूर्ण समयों के दौरान जो भी घटनाएँ घटी हैं उस घटनाओं का ही अध्ययन इतिहास कहलाता है और हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। क्लियर? तो आप इस सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम लगभग 5000 वर्षों के इतिहास से प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं। भारत के 5000 वर्षों में जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्न के माध्यम से आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ और निश्चित रूप से आप इसको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आइए आप ये बताइए कि पाषाण काल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में क्या भिन्नता है, और पाषाण काल में जो पत्थर के औजार जो बनाए जाते थे उस औजारों को किस नाम से जाना जाता था, मध्य पाषाण में जो औजार बनाए गए उसको किस नाम से जाना जाता था, नव पाषाण में जो पत्थर के औजार बनाए गए उसको किस नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न ये है कि बताइए अग्नि का आविष्कार कब हुआ और मानव मांस को कब से पकाना प्रारंभ किए, ये भी आप बताइएगा। पूरा पाषाण काल से संबंधित भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं, उन स्थलों में कम से कम 4 स्थलों के नाम आप बताइए। मध्य पाषाण संबंधित भारत में कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 4 स्थल, उनके नाम बताइए। और नव पाषाण से संबंधित भारत में जो जो स्थल पाए जाते हैं उनके 4 स्थलों का नाम बताइए। आप बताइए कि भीमबेटका किस पाषाण काल को इंडिकेट करता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल, कि तीनों, आप बताने का प्रयास करिएगा। अगला पाषाण काल में अगर हम पूरा पाषाण की बात करें तो पूरा पाषाण का टाइम पीरियड कब से कब है, मध्य पाषाण का टाइम पीरियड कब से कब माना जाता है और नव पाषाण का टाइम पीरियड कब से कब माना जाता है, इस पर भी उत्तर देने का आप प्रयास करिएगा। इसके बाद आप बताइए कि पाषाण काल के बाद एक ताम्र पाषाण काल आता है और ये ताम्र पाषाण होता क्या है, ताम्र पाषाण होता क्या है, इसकी शुरुआत कब से कब मानी जाती है और ये भारत में कब से कब चलता है, और सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल के बीच में तिथि के क्रम को लेकर आपस में क्या इनका संबंध पाया जाता है। अगला आप ये बताइए कि ताम्र पाषाण काल में आहार संस्कृत और कैथा संस्कृति ये भारत के किन क्षेत्रों में दर्शाई जाती है और जारवे संस्कृति भारत के किन क्षेत्रों में दर्शाई जाती है जिसका संबंध ताम्र पाषाण काल से है। क्लियर? अब ये बताइए मानव सर्वप्रथम अस्थाई रूप से निवास कब बनाना प्रारंभ किया, मानव पहिए का आविष्कार कब किया, मानव पशुपालन का आविष्कार कब किया, मानव कृषि करने के संदर्भ में जानकारी कब उसको प्राप्त होती है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। और ये भी बताइए कि मानव सर्वप्रथम किस फसल की खोज की थी या किस फसल से रिलेटेड उसने खेती करना प्रारंभ किया था सर्वप्रथम, ये भी बताइएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न को आप उत्तर देने का प्रयास करिएगा मित्र, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। पाषाण काल के संदर्भ में जो जो मैंने मुख्य बिंदु पूछे हैं इन सारे मुख्य बिंदुओं पर आपको आंसर देना है और समझना भी है।
अब पाषाण काल से हम जब आगे बारे में पढ़ते हैं तो आपको एक पाषाण काल का नाम और सुनने को मिलता है, वो महापाषाण काल। महापाषाण काल की शुरुआत कहाँ से होती है और इसका टाइम पीरियड कब से कब माना जाता है और आखिर में महापाषाण होता क्या है, होता क्या है ये भी बताइए कि महापाषाण काल होता क्या है, किसे महापाषाण काल कहते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं इतिहास के प्रकार पे। इतिहास के प्रकारों में अगर आपसे पूछा जाए कि प्राग इतिहास काल क्या होता है, आद इतिहास काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, इन तीनों में मुख्य रूप से तीन तीन अंतर बताने का प्रयास करिएगा और ये भी बताने का प्रयास करिएगा कि वैदिक सभ्यता को किस ऐतिहासिक प्रकार में रखा जाता है, अर्थात वैदिक सभ्यता को आद ऐतिहासिक काल का पार्ट माना जाएगा कि प्राग ऐतिहासिक का पार्ट माना जाएगा कि ऐतिहासिक काल का पार्ट माना जाएगा। क्लियर। तो ये इतिहास होते हैं और विश्व में इतिहास का पिता किसे कहा जाता है और भारत में इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इसका भी आप आंसर देने का प्रयास करिएगा कि भारत में इतिहास का पिता किसे हम कहते हैं। इसके साथ अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। आप ये बताने का प्रयास करिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी कि नगरी ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी बताने का प्रयास करिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी कि एक ग्रामीण सभ्यता थी और आज से कितने वर्ष पहले भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है और इसकी जानकारी सर्वप्रथम भारत में कब और किसके द्वारा दिया गया और प्रमाणित रूप से कब ये बताया गया कि भारत में वास्तव में वैदिक सभ्यता से पहले कोई एक नगरी सभ्यता थी जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसकी जानकारी प्रमाणित रूप से कब मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किन नामों की सभ्यताओं से और जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यताओं को अन्य किन अन्य सभ्यताओं के नाम से जाना जाता है और उन अन्य नामों की सभ्यता के नाम से जो जाना जाता है आखिर में उसके पीछे रीजन क्या होता है। क्लियर। आगे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कुल कितने वर्ग किमी में हुआ था और सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित स्थल लगभग विश्व के कितने देशों में फैले हुए थे और सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल पाए गए वो सर्वाधिक स्थल किन देश में पाए गए और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल किसको माना जाता है और भारत में किसको सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर और पूर्वी और दक्षिणी और पश्चिमी में कौन स्थल पड़ता है उसको भी बताने का प्रयास करिएगा और ये उत्तर और पूर्वी और दक्षिणी इसके अलावा पश्चिमी में कौन कौन स्थल पड़ते हैं उसको बताने का प्रयास करिएगा और ये स्थल भारत के किन किन नदियों के किनारे पड़ते हैं। क्लियर। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था कि चतुर्भुजाकार था, देखिए हम आपको विकल्प नहीं देंगे, ये वन लाइनियर की प्रश्नों की श्रृंखला है, विकल्प के चक्कर में पूछिए, आप बस सिर्फ अपने रिवाइज करिए। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था ये बताने का प्रयास करिए और सिंधु घाटी सभ्यता की जो कॉलोनियाँ बनाई गई थी वो किस पद्धति पर बनाई गई थी, किस पद्धति पर बनाई गई थी ये भी बताने का प्रयास करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत महत्वपूर्ण कुछ स्थल का मैं नाम पूछ रहा हूँ, उन स्थलों के उत्खननकर्ता कौन कौन थे और ये स्थल भारत में किन किन नदियों के किनारे पड़ते हैं वो भी बताने का प्रयास करिएगा। वो स्थल इस प्रकार है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, चनोदड़ो, धोलावीरा, सुतका गेंडोर और बनावली, रोपड़ और ये सारे जो अभी मैंने नाम लिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के नाम हैं, आपको बताना है कि इन स्थलों की खोज किसने की थी और ये स्थल किन किन नदियों के किनारे बसते हैं ये भी बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा आपको, पढ़ना तो पड़ेगा, मैंने पहले कहा है कि इतिहास जितना आप संविधान पढ़ते हैं उसके 6 गुना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन PCS में प्रश्नों की जहाँ तक बात कर ली जाए तो प्रश्न संविधान के लगभग इसमें 1.5 गुना पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ना कितना होगा, 6 गुना। यही तो कंपटीशन है, कंपटीशन इसी का नाम है। आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप ये बताने का प्रयास करिएगा
सिंध घाटी सभ्यता से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, कुछ साक्ष्यों का मैं नाम ले रहा हूँ और आपको वो बताने होंगे कि ये साक्ष्य वास्तव में कहाँ मिले हैं। तो आप बताइए, स्टेडियम या पार्क का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली हुई है? नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली हुई है? गरुड़ के द्वारा अपने पंजों में सर्प सांप को दबाए हुए उड़ने का साक्ष्य कहाँ मिलता है? इसके अलावा सिंध घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से प्राप्त होता है? आप सिंध घाटी सभ्यता में कहाँ पर एक स्त्री के गर्भ से पौधा उगते हुए दिखाया गया है? सिंध घाटी सभ्यता से कहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं? सिंध घाटी सभ्यता की किस सड़कें कच्ची ईंट से निर्मित हुए थे? सिंध घाटी सभ्यता में वो स्थल कहाँ से जहाँ पर खिड़कियाँ सड़क के किनारे खुली होती थी? सिंध घाटी सभ्यता के उन सारे स्थलों के नाम बताइए जहाँ पर घोड़े के साक्ष्य मिले हुए हैं। सिंध घाटी सभ्यता के उन स्थलों के नाम बताइए जहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। सिंध घाटी सभ्यता के उन स्थलों के भी नाम बताइए जहाँ से गोदीवाड़ा के बारे में भी जानकारी मिलती है। सिंध घाटी सभ्यता के उन स्थलों के नाम बताइए जहाँ पर चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि सिंध घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा था जहाँ पर सिंचाई, खेतों की सिंचाई के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वो भी आप बताने का प्रयास करिएगा। तो ये जो पक्षी बोल रहे हैं, जो कोयल की आवाज़ आ रही होगी, ये भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि नेचुरलिटी में वीडियो का बनाने का मज़ा ही कुछ है, अलग होता है। तो सिंध घाटी सभ्यता से ये सारे स्थल प्राप्त हुए हैं। आगे अगर हम पूछे आपसे कि मुर्दों का टीला किसे कहा जाता था, या सिंध घाटी सभ्यता को मोहन जोदड़ो हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने कहकर पुकारा है, सिंध घाटी सभ्यता के बारे में विभिन्न इतिहासकारों का क्या मत है, आखिर में जो सिंधुवासी थे क्या ये भारत के थे कि ये बाहर से आए हुए थे कि ये ईरान से आए हुए थे, ये भी आपको बताना है। और सिंध घाटी सभ्यता में विश्व की कौन कौन सी सभ्यता चलती थी, उसका समकालीन उन सभ्यताओं का जिक्र कीजिए। सिंध घाटी सभ्यता में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते थे, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में सिंध घाटी सभ्यता या सिंधवासी लोग किन किन वस्तुओं का निर्यात करते थे और किन किन वस्तुओं का आयात करते थे, इसको भी आपको बताना होगा। इन आयात और निर्यातों में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वास्तव में सिंध घाटी सभ्यता के लोग टीन का और सोने का कहाँ से आयात करते थे, क्लियर? और ये भी बताना है आपको कि सिंध घाटी सभ्यता के लोग किन वस्तुओं का निर्यात नहीं करते थे, ये आपको भी बताना है। आगे जब हम बढ़ते हैं मित्र, तो सिंध घाटी की सभ्यता में अगर देखें तो भारत में इनका क्षेत्र या इनका विस्तार कितना था, इससे रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। अगला ये आप बताने का प्रयास करिएगा कि सिंध घाटी की सभ्यता जो थी, जो सिंध घाटी सभ्यता थी, इसको सभ्यता क्यों कहा गया, और सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या होता है, उसको भी आप बताने का प्रयास करिएगा, क्लियर? सिंध घाटी सभ्यता से संबंधित और सारे प्रश्न हैं, जैसे इनकी सड़कें कैसे थीं, इनकी नालियां कैसे थीं, इनके आंगन कैसे थे, इनके यहाँ सिंध घाटी सभ्यता में क्या कुएं के साक्ष्य मिले हैं कि नहीं मिले हैं, इनके दरवाजे हमेशा किस तरफ खुले रहते थे, ये भी आपको बताना होगा, क्लियर? सिंध घाटी सभ्यता से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि आखिर में जो सिंध घाटी सभ्यता के लोग थे वो नदियों के ही किनारे क्यों बसे थे, पर्वतों पर या मैदानों में या पठारों में क्यों नहीं बसे थे? आप देखे होंगे कि सिंध घाटी सभ्यता के लोग ज़्यादातर नदियों के किनारे बसे हुए थे, उसके पीछे रीजन क्या था? सिंध घाटी सभ्यता से संबंधित विभिन्न प्रकार के स्थलों में आप ये भी बताने का प्रयास करिए कि कहाँ पर युगल समाधियाँ पाई गई, और ये भी बताइए कि सिंध घाटी सभ्यता में कहाँ मृतकों के साथ लिपस्टिक, कंघी या उनसे जुड़े हुए शौक से संबंधित सारे चीज़ों को उनके मरने के बाद दफना दिया जाता था, ये भी बताने का प्रयास करिएगा, क्लियर? अगर आप सिंध घाटी सभ्यता से संबंधित इन सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं तो आपकी सिंध घाटी सभ्यता पर प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। और दूसरी चीज़ आपको ये बताना होगा कि किसने कहा था कि सिंध घाटी सभ्यता का जो पतन था वो बाढ़ के कारण हो गया था,
किसने कहा था सूखा की वजह से हो गया था, किसने कहा था कि जलवायु परिवर्तन से हो गया था, और किसने ये कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे कारण आर्यों का हाथ था। जी हाँ, आर्यों का हाथ था, यानी कि यहाँ पे विदेशी आक्रमण हुए थे जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कर गए। ये किनके द्वारा कहा गया था? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के से जितने भी मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं, इन सारे प्रश्नों को आप समझे होंगे और जवाब देने का प्रयास भी किए होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मित्र वैदिक सभ्यता आता है। वैदिक सभ्यता आता है, ये बात अलग है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रश्न और भी था कि इसका टाइम पीरियड कब से कम माना जाता था, और टाइम पीरियड को लेकर विभिन्न इतिहासकारों का अपना क्या क्या मत है, इस पर भी प्रश्न बनता है कभी कभी, तो वो भी आप देने का प्रयास करिएगा। आइए हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करते हैं। वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कई प्रश्न बनते हैं, वो भी आप बताने का प्रयास करिएगा। वैदिक सभ्यता का दौर कब से कब चलता है, वैदिक सभ्यता का दौर कब से कब चलता है, उसका टाइम पीरियड कब से कब है, और वैदिक सभ्यता को कुल कितने भागों में बांटा गया है, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी कि नगरीय सभ्यता थी, ये बताइएगा। वैदिक सभ्यता का जो दौर है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, और ये आर्य कौन थे, और ये आर्य कहाँ से आए हुए थे, और इनका शौक क्या था, इनके मनोरंजन का क्या क्या साधन था, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। और वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता के मनोरंजन के कौन कौन से साधन थे। देखिए मित्र, इतिहास को रिलेटेड का एक विषय है, इसलिए ज़रूरी नहीं ये है कि अगर हम जिस टॉपिक का नाम लिए हैं उससे रिलेटेड हम उसी में पूरा प्रश्न पूछेंगे। आगे बढ़ते समय अगर उससे जुड़े हुए कोई प्रश्न हमारे पीछे वाले टॉपिक में छूट जाते हैं तब हम वहाँ भी पूछ सकते हैं। जैसे अभी याद आया कि वैदिक सभ्यता लोग मनोरंजन, उनका मनोरंजन क्या था, और मनोरंजन के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे, तो आप ये भी बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के रूप में किसका प्रयोग करते थे। क्लियर। दूसरा ये कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा वर्ग मजबूत होता था, शासक वर्ग, पुरोहित वर्ग, ये चीज़ें आपको वहाँ बताना होगा। और यहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी थी, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसा था, यहाँ का आर्थिक व्यवस्था कैसा था, ये भी आपको बताना होगा। ठीक है, इनका व्यवसायिक कल्चर कैसा था। इसी तरीके से आपको ऋग वैदिक काल में बताना होगा कि ऋग वैदिक काल के लोग किसके प्रेमी थे, उद्योग के प्रेमी थे कि कृषक के प्रेमी थे कि आखेटक के प्रेमी थे, और ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में दोनों में मुख्य रूप से क्या क्या डिफरेंट है। क्लियर। लोहे की खोज कब हुई थी, ऋग वैदिक काल में हुई थी कि उत्तर वैदिक काल में हुई थी, बताइए। और जब लोहे की खोज हुई तो इससे भारतीय समाज में क्या परिवर्तन आया, क्या परिवर्तन आया। लोहे की खोज ने कहा जाता है कि भारतीय के सामाजिक व्यवस्था में या पूरे शासन की व्यवस्था में एक क्रांति लेकर आए। वो कैसे लेकर आए, इस पर भी बताने का प्रयास करिएगा। तो मैंने पहले कहा कि इतिहास से रिलेटेड जो भी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा उनमें से ढेर सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो वन लाइनर होंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके इतिहास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक, आइए हम आगे बता चर्चा करते हैं। वैदिक काल में कुल कितने मंडल थे, कितनी ऋचाएँ थीं, कितनी सूक्तियाँ थीं, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। आप ये भी बताने का प्रयास करिएगा कि गीता की चर्चा किस मंडल में की गई थी, दासराग का युद्ध किस मंडल में है, सोम रस की बात किस मंडल में कही गई है, और महिलाओं की शिक्षा के संदर्भ में किस मंडल में बात कही गई, और 10 मंडल में कुल कितने नवीन मंडल किसको कहा जाता है, और किसको प्राचीन मंडल कहा जाता है, किस किस मंडल को, उसका भी नाम बताने का प्रयास आप करिएगा। क्लियर। और जो सूक्तियाँ थी, सबसे ज़्यादा सूक्ति किस देवता को समर्पित थी, इंद्र देवता को कुल कितनी सूक्तियाँ समर्पित थीं, और अग्नि देवता को कुल कितनी सूक्तियाँ समर्पित थीं, और ऋग वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे कहा जाता था, और उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे कहा जाता था, सभा और समितियाँ और विद्वत, ये तीनों क्या थे,
सभा समिति और विद्वत, ये तीनों क्या थे, इनके कार्य क्या होते थे, और वैदिक काल में आपको ये बताना होगा कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, और एक चीज़ ये बताना होगा क्या सिंधवासी गाय से परिचित थे, क्या वैदिक काल के लोग गाय से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रिय पशु कौन था और वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय पशु कौन था, और किस पशु की हत्या करने पर वैदिक काल में व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती थी। कुछ शब्दावलियाँ भी हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक शब्दावलियाँ भी हैं, वो सारे शब्दावलियाँ मैंने चर्चा किया है, उन शब्दावलियों पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। गौहंता, गवष्टी, गवेष्टा, निस्क, इन सारे शब्दों का क्या मतलब होता है, वैकनाट, इन सारे शब्दों का क्या मतलब होता है, तो कुछ शब्दावलियाँ भी आपको जानना आवश्यक है। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक काल में अंतरिक्ष का देवता, आकाश का देवता और पृथ्वी के देवता के संदर्भ में बात किया गया है, तो आप बताइए कि वैदिक काल में किसको अंतरिक्ष का देवता, किसको आकाश का देवता, किसको पृथ्वी का देवता कहा जाता है। आप बताइए वरुण किस विभाग के देवता थे, सूर्य किस विभाग के देवता थे, और इंद्र किस विभाग के देवता थे, और अग्नि किस विभाग के देवता थे। जो मैंने तीनों बताए हैं इन्हीं में से किसी एक विभाग के देवता थे, यानी कि या तो आकाश का हो सकते हैं, या तो अंतरिक्ष, या तो पृथ्वी के देवता हो सकते हैं। क्लियर। अगला हम ये आपसे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी वैदिक सभ्यता में कई उपनिषद आते हैं, कई ब्राह्मण साहित्य आते हैं, कई आरण्यक आते हैं, इनसे भी पूछा जाता है कुल वेद कितने थे, और एक एक वेद से रिलेटेड आप बताइए कि ऋग्वेद में मुख्य रूप से कौन उपनिषद थे, कौन से ब्राह्मण साहित्य थे, और कौन से आरण्यक पा गए, और चारों वेदों में किस वेद में आरण्यक के बारे में बात नहीं की गई है, किस में आरण्यक की बात नहीं की गई है, ये भी आपको बताना है। अगला, कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, और प्रमाणित रूप से कुल कितने उपनिषद माने जाते हैं। मुंडको उपनिषद में क्या है, छंदोगो उपनिषद में क्या है, क्या है कहा गया है, जैमिनी उपनिषद में क्या कहा गया है, कैन उपनिषद में क्या कहा गया है, हर उपनिषदों के बारे में एक एक बारे में जानकारी मिलती है। एक जाबलो उपनिषद करके भी है, इसके बारे में भी पता चलता है। क्लियर। तो जैसे जैसे थोड़ा सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा वैसे वैसे वीडियो की थोड़ी सी अंतर भी आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्नों से मतलब है, सुनने से मतलब ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो सुनने पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। अब हम आगे देखते हैं उपनिषदों की अगर हम बात करें तो उपनिषदों में मैंने कहा कि उपनिषद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर। अब बताने का कुछ प्रयास करिए, पुनर्जन्म की बात किस उपनिषद में कही गई है, पुनर्जन्म की बात किस उपनिषद में कही गई है, और दूसरा आप ये भी बताने का प्रयास करिएगा कि वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में बात किस उपनिषद में कही गई है, पुनर्जन्म वर्ण व्यवस्था संबंधी बातें किस उपनिषद में कही गई है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और जो इस समय आश्रम व्यवस्था थी, आश्रम को कुल कितने भागों में बांटा गया था, और इन आश्रमों के चारों आश्रमों के बारे में किस उपनिषद में चर्चा किया गया है, और तीन आश्रमों के बारे में किस उपनिषद में चर्चा किया गया है, यानी कि किस उपनिषद में सन्यासी आश्रम के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। आश्रम व्यवस्था क्या होती है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, और इनके आश्रमों व्यवस्था के लिए जो अलग अलग भाग है उनके लिए आयु किस प्रकार की निर्धारित की गई थी, आपको वो भी बताना है, किससे आयु इनकी निर्धारित की गई थी। क्लियर। आपने नाम तो सुना होगा, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। क्लियर। वैदिक काल में कुल कितने संस्कार बताए गए हैं, आप कुल कितने संस्कार बताए गए हैं, और मृत होने के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है, इसके बाद गर्भ से बाहर आने से पहले बच्चे, यानी माँ के गर्भ रहने पर ही बच्चे में कुल कितने संस्कार कर लिए जाते हैं, वो भी आपको बताना होगा। हमारे हिंदू धर्म में या वैदिक काल में
कुल कितने प्रकार के ऋण की बात की गई, उन ऋणों में आप एक ऋण के बारे में और बताइए कि आखिर में अतिथि ऋण से क्या तात्पर्य है, अतिथि ऋण से क्या तात्पर्य होता है। और वैदिक काल में ही कई प्रकार के विवाहों का भी प्रचलन आया, और इन प्रकार के विवाहों में आप ये बताइए कुल कितने प्रकार के विवाहों को मान्यता प्राप्त की गई थी और कुल कितने विवाहों को मान्यता प्राप्त नहीं की गई थी। और राक्षस विवाह क्या होता है, इस राक्षस विवाह के बारे में आप बताने की कोशिश करिएगा। क्लियर? तो विवाहों को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला हम आते हैं अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। क्या है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, दोनों में क्या डिफरेंट है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। देखिए मित्र, ये सारे आंसर जब मैं संपूर्ण इतिहास पर लेक्चर दूंगा ओरल माध्यम से, आपको सारे आंसर बताए जाएंगे, यहाँ पर नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आपके अंदर इतिहास के प्रश्नों को लेकर कितनी क्षमता है वो खुद आंकने का प्रयास करिएगा और दिन भर इस पर वर्क करिएगा। अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो एक घंटे के वीडियो से काम नहीं चलेगा, आप पर इस पर लंबा वर्क करना पड़ेगा, लंबा वर्क करना पड़ेगा। 100-200 क्वेश्चन याद करने से काम नहीं चलेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन याद ही नहीं करना होगा, उसकी समझ भी विकसित करनी होगी। ऐसा इस समय क्यों हुआ, इसके पीछे लाए जाने के पीछे क्या कारण था, ये भी आपको पता करना होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे वैदिक काल से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में। वैदिक काल में आप ये बताइए कि वर्ण व्यवस्था को लेकर क्या ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में दोनों में क्या डिफरेंट थे वर्ण व्यवस्था को लेकर। क्लियर? और वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन सी वर्ण व्यवस्था थी जिसको सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक मिलता था, और ऐसी कौन सी वर्ण व्यवस्था का कौन सा भाग था जिसको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलता था। क्लियर? ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। वैदिक काल से रिलेटेड और ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, ढेर सारे और प्रश्न बनते हैं वैदिक काल से रिलेटेड। जैसे मैंने मंडल के बारे में चर्चा कर दिया, मैंने सभा के बारे में चर्चा कर दिया। आपको ये बताना कि वैदिक काल के राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, और वैदिक काल के प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी। तो वैदिक काल के प्रशासन या राजनीति की सबसे बड़ी इकाई और सबसे छोटी इकाई के बारे में आप बताइए, और उनके नेतृत्व करने वाले को क्या कहा जाता था, ये भी आपको बताना होगा। क्लियर? तो मैं समझता हूँ कि वैदिक काल से जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया, इस पर आपकी एक मजबूती बन चुकी होगी। क्लियर? मजबूती बन चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप कुछ कोशिश और करिएगा कि सिंध घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल, इन तीनों में कम से कम चार अंतर बताइएगा। चार अंतर क्या देखने को मिलते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर खोजने का प्रयास करेंगे, और खोजना पड़ेगा। मैं इसीलिए संपूर्ण इतिहास के लाने से पहले आपके अंदर एक जिज्ञासा के बीज का रोपण करना चाहता हूँ, ताकि आप इसको कुछ सींच लें, और जब मैं क्लाइमेट तैयार करूँ, जब मैं संपूर्ण इतिहास का लेक्चर दूँ, तो आप उस वातावरण में अपने आप को तेजी से ग्रोथ करें। लेकिन अगर आप आज के पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से अपने अंदर बीजा का रोपण नहीं करेंगे, यानी कि पहल नहीं करेंगे, खोजी प्रवित नहीं करेंगे, तो मैं मानसून लेकर आऊँगा संपूर्ण इतिहास का, तो आप अपना ग्रोथ नहीं कर पाओगे। क्लियर? इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, और इसका आंसर सब वहाँ पर मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा, धैर्य बनाए रखिएगा। आगे हम आते हैं वैदिक काल का जब टाइम पीरियड समाप्त होता है मित्र, यानी कि आद इतिहासिक का जब दौर खत्म होता है, तो हम ऐतिहासिक काल के दौर में प्रवेश करते हैं, और वो दौर होता है महाजनपदों का उदय। महाजनपदों के उदय से इतिहास की कहानी जबरदस्त बनना चालू हो जाता है। तो आप बताइए कि महाजनपदों के बारे में जानकारी मुझे
किस स्रोतों से पता चलता है और भारत में कुल महाजनपद कितने थे और उत्तरी महाजनपद, दक्षिणी महाजनपद और पूर्वी महाजनपद और पश्चिमी महाजनपद कौन कौन से थे और यहाँ का इस समय शासक कौन था, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। और अगर हम बात कर लें 16 महाजनपदों में अगर सबसे अधिक महाजनपद पूछा जाए तो आज सबसे अधिक महाजनपद आज के समय में भारत के किस राज्य में पड़ेंगे, ये भी आंसर देने का प्रयास करिएगा। और 16 महाजनपदों में कितने ऐसे महाजनपद थे जो बिहार में पड़ते थे, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर। 16 महाजनपदों का नाम आप बताइए और उनकी राजधानियों के बारे में भी बताइए। जी हाँ, कुछ राजधानियों के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताने का प्रयास करिएगा। कांपिल किस महाजनपद की राजधानी थी, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, विराट किस महाजनपद की राजधानी थी, महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी, कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी, सुरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, काशी की राजधानी क्या थी, कुरु की राजधानी क्या थी और मल्ल की राजधानी क्या थी। तो इन महाजनपदों की राजधानी आप बताने का प्रयास करेंगे। आप सोच रहे होंगे सर सारे महाजनपदों के बारे में क्यों नहीं पूछे, इसलिए नहीं पूछा क्योंकि अगर आप इतने महाजनपद के बारे में बता देते हैं तो समझ लीजिए महाजनपदों से संबंधित आपका प्रश्न क्लियर है। अगला, 16 महाजनपदों में ऐतिहासिक प्रमाणित रूप से किस वंश की जानकारी सर्वप्रथम मिलती है और उस वंश की न्यू या वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे बिंबिसार। जी हाँ, बिंबिसार था। अब आप ये बताइए बिंबिसार वैवाहिक संबंध के माध्यम से, मित्रता के संबंध के माध्यम से और युद्ध के माध्यम से किन किन महाजनपदों को मिलाया था, वैवाहिक माध्यम से, युद्ध के माध्यम से और मित्रता के माध्यम से किन किन महाजनपदों को मिलाया था, बताने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बिंबिसार ने किसको प्रद्योत के राजदरबार में भेजता है और क्यों भेजता है और बिंबिसार मगध को ही राजधानी क्यों बनाता है, आखिर में मगध को राजधानी बनाए जाने के पीछे क्या कारण था, ये भी बताइएगा। और मगध पर सत्ता स्थापित करने पर एक होड़ बनी हुई थी, ऐसा क्यों, आप ये बताइए कि बिंबिसार अपना शिक्षा कहाँ ग्रहण किया था और ये किस धर्म का अनुयायी था और इसको किस उपनामों के नाम से जाना जाता था और इसने मगध की राजधानी कहाँ पर बनाई हुई थी और किस वंश को पितृहंता के वंश के नाम से भी जाना जाता है, ये बताइएगा और क्यों जाना जाता है, ये भी बताइएगा। क्लियर। इसके बाद आपको ये बताना है कि अजातशत्रु, जी हाँ अजातशत्रु, अजातशत्रु किस प्रकार से मगध की गद्दी पर बैठता है और ये मगध को की राजधानी क्या बनाता है और राजगिरी का संस्थापक किसे कहा जाता है या राजगिरी का निर्माण किसने करवाया था, ये भी बताइएगा। अजातशत्रु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और अजातशत्रु को किन किन उपनामों के नाम से जाना जाता है, अजातशत्रु किस तरीके से मगध की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करता है और ये भी आपको बताना है कि अजातशत्रु के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी और उस समय उसका अध्यक्ष कौन था, अजातशत्रु ने किन दो नई तकनीकी के हथियारों का इस्तेमाल किया था अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। अजातशत्रु वैवाहिक संबंध के माध्यम से किस महाजनपद के वैवाहिक के संबंध के माध्यम से काशी को एक दहेज के रूप में प्राप्त करता है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। अजातशत्रु किसको महात्मा बुद्ध के पास भेजा था वज्जियों के षड्यंत्र के बारे में जानने के लिए या वज्जियों पर विजय प्राप्त करने के बारे में, वज्जी यानी कि जिसकी राजधानी वैशाली थी, कैसे
ये भी आपको बताना होगा। अजातशत्रु को किन नामों से जाना जाता है ये आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अजातशत्रु की हत्या किसने की, मगध की राजधानी यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करता है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कौन बनाता है, और द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी ये भी बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर। काकवाड़ के नाम से किस शासक को जाना जाता था, और मगध वंश का अंतिम शासक कौन था, मगध वंश का अंतिम शासक कौन था यह भी बताने का प्रयास करिएगा। मगध वंश का नहीं मित्र, हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था, और हर एक वंश के बाद अगला वंश कौन आता है यह भी बताने का प्रयास करिएगा। हर एक वंश के बाद नागवंश के बाद नंद वंश आता है, तो आपको एक चीज बताना होगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, और उस शासक को कौन सी उपाधियां मिली हुई थी। जी हाँ, नंदवंश का सबसे प्रतापित शासक कौन था, या नंदवंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, परशुराम की उपाधि, एकराड की उपाधि, उग्रसेन की उपाधि के नामों से किसे नवाजा जाता है, और क्यों नवाजा जाता है, और नंद कौन थे, नंद क्षत्रिय थे कि ब्राह्मण थे कि शूद्र थे कि वैश्य थे, नंद कौन थे ये आपको बताना होगा। और महात्मा बुद्ध का जन्म किसके समकालीन हुआ था, किस शासक के समकालीन हुआ था, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस शासक के समकालीन हुआ था ये भी बताने का प्रयास करिएगा। ठीक इसी तरीके से महावीर स्वामी का जन्म किसके समय हुआ था और मृत्यु किसके समय हुआ था ये भी बताइएगा। क्लियर। अपने सोच को विकसित करिए, अपने सोच को जब विकसित करेंगे आप तभी इन सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। प्रश्न का उत्तर देना दूर, पहले आपके दिमाग में प्रश्न आने चाहिए। अगर प्रश्न है तो उत्तर जरूर है, बस आपके अंदर दो चीज होनी चाहिए, उस प्रश्नों की खोज की लगन होनी चाहिए, और लगन तभी पूरी होगी जब आप सही दिशा में मेहनत करेंगे। जी हाँ, आगे हम बढ़ते हैं मित्र। नंद वंश का प्रयास करते हैं तो आप ये बताइए कि इतिहास में कौन सा ऐसा वंश था, पूरे भारतीय इतिहास में ऐसा कौन सा वंश था जो सबसे अधिक भारत में साम्राज्य विस्तार किया, मौर्य कौन थे, मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, चाणक्य कौन था, चाणक्य किसके दरबार में रहता था, सिकंदर किसके समकालीन आक्रमण किया हुआ था, सिकंदर भारत के किन किन शासकों से युद्ध लड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच का संबंध कैसा था, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच का संबंध कैसा था, चाणक्य और घनानंद के बीच का संबंध कैसा था, सिकंदर को भारत में आने का रास्ता किसने बताया, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ होता है, सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर देती है, सिकंदर के पिता का नाम क्या रहता है, सिकंदर की मृत्यु किस महाद्वीप में होती है, सिकंदर का जन्म किस महाद्वीप में होता है, और सिकंदर को दफनाया किस महाद्वीप में जाता है, सिकंदर के साथ आने वाले जो विदेशी यात्री थे उसका नाम बताइए, और सिकंदर के पहले जो विदेशी यात्री आए थे उनका भी नाम बताइए, और सिकंदर के बाद भी जो आए थे विदेशी यात्री उनका भी नाम बताइए। इनको आपको रटना होगा क्योंकि इनके माध्यम से भारतीय इतिहास के जानने का स्रोत मिलता है, भारतीय इतिहास से जानने के स्रोत मिलता है। अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, थोड़ा से और हो जाने दीजिए, वहाँ भी हालांकि शुरू में ही चर्चा करना चाहिए था, बट मैंने कहा ना कि जैसे जैसे हम प्रश्न करते जाएंगे वैसे वैसे तुलनात्मक चीज़ें से के माध्यम से सारी चीज़ें सामने आएंगी। क्लियर। तो सिकंदर के साथ कौन कौन आया था, एक चीज आप थोड़ा सा विचार करिएगा मित्र कि सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से क्यों इनकार कर दी, क्या उनके सैनिक थक गए थे, क्या उनके सैनिक के परिवार को याद आ रही थी, कि क्या उनके सैनिक घनानंद के एक विशाल सेना की को देखकर डर रहे थे, क्या पोरस ने ही उनके मनोबल को तोड़ दिया था,
क्या चार वजह में से कौन सबसे मेन वजह थी? पोरस के द्वारा भयंकर टक्कर दिया जाना, कि घनानंद का विशाल सेना, कि सैनिकों का सिकंदर के सैनिकों का थकना, कि सिकंदर के सैनिकों का उनके परिवार का याद दिलाना? ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो सिकंदर की विश्व विजेता की कामना का थोड़ा अधूरा कर देता है, क्योंकि वो भारत के मेन शासक को नहीं पराजित कर पाता है? इन चारों में से आपको ढूंढना होगा। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ये बात अलग है कि आखिर में सिकंदर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आप बताइए, सिकंदर का गुरु कौन था, और सिकंदर के गुरु का गुरु कौन था, और इसके गुरु का नाम क्या था? सब बात की एक बात आप ये बता दीजिए कि प्लेटो का शिष्य और प्लेटो का गुरु कौन था? क्लियर? और सिकंदर के अंदर विश्व विजेता की कामना कैसे बनती है, और सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ देने से क्यों इनकार कर देता है, और सिकंदर पोरस को क्यों माफ कर देता है? जरा इस पर भी विचार करिएगा। और सिकंदर ऐसा क्यों कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथों को फैला दीजिएगा, ऐसा उसने क्यों कहा? और सिकंदर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हो जाती है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर? अब हम आते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य कौन थे? मौर्य वंश में लगभग कुल कितने शासक हुए थे? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ये भी आप बताने का प्रयास करिए। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने डाकुओं का गिरोह के रूप से नवाजा है, और किसने ये कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की 6,00,000 सेना ने पूरे नंदवंश के साम्राज्य को रौंद डाला था, किसने कहा था? और चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य का साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक था, ये आपको बताना है। और दूसरा ये बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या उसके राज्य में कलिंग शामिल था? अगर शामिल था तो क्या वो बिंदुसार के समय कलिंग बाहर निकल गया था, जिसको आगे चल के अशोक ने कलिंग को बनाया था, यानी कलिंग को अपने साम्राज्य में मिलाया था? मौर्य साम्राज्य में कुल प्रांतों की संख्या कितनी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या कितनी है, ये भी बताइएगा। क्लियर? इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया था, और चंद्रगुप्त प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था, और चंद्रगुप्त मौर्य को किसने एंड्रोकोटस और किसने सेंड्रोकोटस की उपाधि से नवाजा था, किसने नवाजा था, और किसने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस की तुलना शिव से किया था, और किस विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राण को त्यागा था, और कहाँ पे त्यागा था, किसके कहने पे त्यागा था, और क्यों त्यागा था, इन सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्य क्यों नंद साम्राज्य का पतन करना चाहता था, और चाणक्य को किन किन नामों से जाना जाता था, और चाणक्य मौर्य वंश के कितने शासकों के समकालीन दरबार में मंत्री के पद पर बना हुआ था, चाणक्य कौन था, चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र व्यवस्था में समाज को कितने वर्गों में बांटा था, और चाणक्य ने प्रशासनिक व्यवस्था को मेंटेन बनाने के लिए कुल कितने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, उसने आँख की तुलना और मुंह की तुलना और हाथ की तुलना प्रशासनिक व्यवस्था के किस पार्ट से किया है अपने सिद्धांत में, यह भी बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर? और चाणक्य को अन्य किन किन नामों से जाना जाता था, यह बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है,
और क्यों कहा जाता है ये भी बताइए। अगला ये बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच युद्ध कब होता है, कब होता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच, और इस युद्ध में किसकी विजय होती है और किसकी हार होती है, और इन दोनों के बीच जो संधि होती है उन संधियों में कौन कौन सी शर्तें एक दूसरे से रखी गई थी, कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी ये बताने का प्रयास करिएगा। और अगला ये बताने का प्रयास करिएगा कि इंडिका किसके द्वारा पुस्तक रचित है, इंडिका किसने लिखा है, और इंडिका में क्या दासों की चर्चा की गई है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में क्या दासों की चर्चा की गई है, और मौर्य वंश में व्यापार करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग किसको बताया गया है, स्थल मार्ग को किस के जली मार्ग को, ये बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर। और सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब होता है, अभी जैसा मैंने कहा वो बताने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इनके बीच में युद्ध के पीछे और सेलुकस था कौन। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ प्राचीन इतिहास के कुछ नाम मिलते हैं, जैसे प्लिनी, प्लिनी कौन था, हेरोडोटस कौन था, टॉलमी कौन था, नियारकस कौन था, अनेसिक्रेटस कौन था, अनेबुटस कौन था, इन सारे शब्दों को तो आप सुने ही होंगे, नहीं सुने होंगे तो अब इसको खोजने का प्रयास करिएगा कि आखिर में ये थे कौन। इसके बाद जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार गुजरात में भी था, इस बात की जानकारी किससे पता चलती है, कैसे पता चलता है कि गुजरात में भी उसका अधिकार था, ये भी आपको पता करना होगा। क्लियर। तो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे हम आते हैं, चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है, किसको सिंहसेन, भद्रसार, अग्रमीज के नाम से नवाजा गया है, ये नाम पूछे जाते हैं कि सिंहसेन, भद्रसार, अमित्रघात, अग्रमीज नहीं मित्र, अमित्रघात किसको कहा जाता था, अब बिंदुपाल किसे कहा जाता था, ये आपको पता करना चाहिए कि इनको क्या क्या नामों से जाना जाता था। क्लियर। जिस समय मौर्य वंश में बिंदुसार शासन कर रहा होता है उस समय तत्शिला में कुल कितने विद्रोह होते हैं, और उन विद्रोह में पहला विद्रोह कौन दबाने जाता है, और इस बात की जानकारी मुझे कहां से मिलती है। क्लियर। इसके बाद किस साक्ष्य से मुझे यह प्राप्त चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या किया था, और अशोक गद्दी पर कब बैठता है, और गद्दी पर बैठने के बाद कितने वर्ष के बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, कितने वर्ष बाद वो लुम्बिनी की यात्रा करता है, और कितने वर्ष बाद अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए सभी स्थलों पर वो जाता है, और उसने कहाँ पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, अशोक किस धर्म का अनुयायी था, अशोक को प्रेरित करने वाला बौद्ध धर्म को के प्रति प्रेरित करने वाला कौन सा व्यक्ति था, किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और क्यों हो गया था, अशोक का धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में क्या डिफरेंट थे, अशोक का धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में क्या डिफरेंट थे, अशोक के समय जो बौद्ध संगति होती है वो कौन सी बौद्ध संगति होती है, और उस समय उसका अध्यक्ष कौन होता है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। अशोक ने विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किन किन लोगों को चुनता है और इसके लिए वो क्या करता है, इस पर भी विचार करिएगा। और अशोक की माता, उसकी पत्नी का नाम बताइएगा। अशोक के समय कुल कितने स्तंभ, बड़े स्तंभ लेख थे और कितने लघु शिलालेख थे, अशोक के प्रथम, तीसरे, पांचवें, आठवें और तेरहवें शिलालेख में क्या कहा गया है, और अशोक का शिलालेख भारतीय इतिहास में
क्या महत्ता रखते हैं वो चीज़ें बताने का प्रयास करिएगा। और अशोक के किस शिलालेख के माध्यम से ये पता चलता है कि दक्षिण भारत में संगम वंश में चेर पांड और चोल शासन कर रहे थे, किस शिलालेख के माध्यम से पता चलता है। और अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की बात की गई कि आत्मनियंत्रण करना चाहिए, लोगों पर अपने आत्मा पर नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि मन पर नियंत्रण होना चाहिए, अशोक के किस शिलालेख से पता चलता है। और अशोक के किस शिलालेख में उसके व्यक्तिगत नामों के बारे में पता चलता है। जी हाँ, अशोक के किस शिलालेख में उसके व्यक्तिगत नामों के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन ये है कि ब्राह्मी लिपि और अरमाई लिपि और खरोष्ठी लिपि, इन तीनों लिपियों का प्रयोग मौर्य साम्राज्य के किन किन क्षेत्रों में किया जाता था और तीनों लिपियों में क्या डिफरेंट था। और इतनी बड़ी लिपि की मात्रा में का प्रयोग अशोक ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, क्यों किया था, विचार करिएगा। इसका आंसर मैं संपूर्ण इतिहास में बताऊंगा क्यों ऐसा लिपियों का प्रयोग किया था। तो सुन लीजिए, जो कार्य यहाँ अंग्रेज आने पर कर रहे थे वही कार्य मौर्य वंशों में भी किया गया था, यानी कि हमारे जो भारत के शासक थे उन लोगों ने किया था जो अंग्रेज यहाँ आने के बाद किए थे। क्योंकि जब तक अपने विचारों को आप दूसरे को समझा तक नहीं पाओगे तब तक उनको पर नियंत्रण स्थापित करना मुश्किल होता है और शासन करना भी मुश्किल होता है और शांति व्यवस्था को बनाए रखना मुश्किल होता है। वही काम अंग्रेज किए, वही काम यहाँ मौर्यों ने किया था। अशोक के लेकर ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, जिसको मैंने संक्षेप में यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा। इन प्रश्नों का उत्तर देने का आप प्रयास करिएगा। क्लियर। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक चीज़ ये आप बताइए कि अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए किन किन गुफाओं का निर्माण करवाया था, उन गुफाओं का नाम बताना है और उनका क्षेत्र बताना है, कौन कौन से गुफाओं का निर्माण करवाया था और इसने कौन कौन से स्तूपों का निर्माण करवाया था, ये भी आपको बताना होगा। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ ये बताना होगा कि मौर्य वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने जैन धर्म को अपनाया था, किसने जैन धर्म को अपनाया था, यह भी आपको बताना होगा। और जो बिंदुसार था वो किस धर्म का अनुयायी था, यह बताना होगा। क्लियर। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही गई होगी सारी चीजों को लेकर। और मौर्य वंश का पतन कौन करता है और किस तरीके से मौर्य वंश का पतन होता है, उसके पीछे कारण क्या होते हैं, इस पर भी विचार करिएगा। मौर्य वंश के पतन के बाद अगला वंश कौन आता है और उस वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन होता है और उस वंश के बारे में जानकारी मुझे किससे पता चलता है। चलिए आते हैं। पुष्यमित्र सोम के समय उसके दरबार में कौन रहता था, पुष्यमित्र सोम के समय उसके दरबार में कौन रहता था और सुंगों ने प्रारंभ में अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी, सुंगों ने प्रारंभ में अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी, ये आप बताने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा समय भी देखना पड़ता है मित्र, क्योंकि एक घंटे के बाद ये वीडियो अपने आप बंद हो जाता है, इसलिए मुझे स्टॉप करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ी सी तकनीकी में अभी हम लोग कच्चे हैं लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। तो लेकिन वीडियो कंटिन्यू चलेगा, बनेगा तो यहीं पर। हाँ, एक घंटा पर इसको स्टॉप करना होगा, तो मैं इसी के साथ यहाँ पर रोक रहा हूँ क्योंकि एक घंटा होने वाला है, फिर इसी के साथ कंटिन्यू चलेंगे।